हेलो, मैं शैली हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई, आज मैं 9th स्टैंडर्ड के बच्चों की हिंदी की जो पहली कविता है चांदनी रात, पहली इकाई की ये कविता है। ओके, पहली शुरुआत इस कविता से ही हो रही है। तो मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि मैम, आप ज़रा हमें रीडिंग भी डालिएगा, क्योंकि कुछ बच्चों ने कहा हमें पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है, कुछ पेरेंट्स लोगों ने भी कहा है हमें हमारे बच्चों को पढ़कर दिखाना है, और टीचर्स लोगों ने भी कहा है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ये भी वीडियो बना देती हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें मैं ओनली रीडिंग ही रखूँगी, ताकि आप लोगों को अगर रीड करना होना तो आप लोग मेरे वीडियोज़ देख के रीड कर सकते हैं। और मेरा तो भाई यही कहना है कि जो भी कविताएं वगैरह होती है ना, वो हमें याद कर लेनी चाहिए। और जब भी हम लोग एग्ज़ाम में आंसर्स लिखते हैं, तो हम लोगों को जब कविता याद रहती है तो पॉइंट्स जो है ना, हम लोग बराबर सीक्वेंस में लिख सकते हैं। ये तो मेरी आदत थी कि मैं ये बायहेड ही कर लेती थी। कविता बायहेड करना कितना टाइम लगता है ना, और लिख के भी निकालो तो आपका लिखने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी मैं बोलती हूँ तो तुम लोग सुनकर लिखने की भी प्रैक्टिस करो। ओके, अगर लिखना नहीं आएगा ना बच्चों, तो फिर पेपर में मार्क्स कैसे मिलेंगे तुम लोग को, है क्या नहीं? और मेरी अगली वीडियो में इस कविता के क्वेश्चंस एंड आंसर्स, आप लोगों को किस तरह से सवाल समझ के आंसर्स लिखने हैं वो मैं बताने वाली हूँ। और फिर उसके रूल्स क्या है, आंसर जब तुम लोग एग्ज़ाम में लिखते हो तो तुम लोग क्या क्या गलतियाँ करते हो और तुम्हें क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, वो भी मैं तुम लोगों को बहुत ही डिटेल में बताने वाली हूँ। ओके, तो अगर आप लोग सब्सक्राइबर हैं मेरे तो कोई बात नहीं, अगर नए हैं आप मेरे चैनल पे और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन टैप कीजिएगा, और नोटिफिकेशन का जो ऑल का बटन होता है ना, वो ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि तुम लोगों के एग्ज़ाम्स के पहले मैं लाइव स्ट्रीम में आके रिवीजन कराती हूँ तुम लोगों को। तो अगर आप लोगों को भी आना है सीखने के लिए मेरे साथ लाइव स्ट्रीम में, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन का बेल का आइकन ऑन करना ही पड़ेगा। ओके, तो फिर हम लोग लाइव स्ट्रीम में सीखते हैं, और संडे को हमारा फंडे तो होता ही है, तो आप लोग उसके भी मज़े लीजिएगा। बहुत धमाल करते हैं हम लोग, बहुत मस्ती करते हैं संडे के दिन 7 बजे। ओके, तो आप भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा हमारे लाइव स्ट्रीम को। तो आज मैं आप लोगों को कविता बोल के दिखा रही हूँ पूरा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहली इकाई, एक चांदनी रात। तो ये कविता किसने लिखी है? ये कविता लिखी है मैथिली शरण गुप्त। ओके, तो आसपास में आपके परिवेश के किसी सुंदर प्राकृतिक स्थल का वर्णन निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कीजिए। कृति के लिए आवश्यक सोपान। सुंदर प्राकृतिक स्थल का नाम तथा विशेषताएं बताने के लिए कहे। वहां तक की दूरी तथा परिवहन सुविधाएं पूछे। निवास, भोजन आदि की व्यवस्था के बारे में चर्चा करें। प्राकृतिक संपत्तियों पर आधारित उद्योगों के नामों की सूची बनवाए। परिचय। जन्म 3 अगस्त 1886, चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश। मृत्यु 12 दिसंबर 1964। परिचय। मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि है। आपकी रचनाएं मानवीय संवेदनाओं, विशेषतः नारी के प्रति करुणा की भावना से ओतप्रोत है। प्रमुख कृतियां साकेत महाकाव्य, यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी, भारत भारती खंडकाव्य, रंग में भंग
राजा प्रजा नाटक आदि। पद्य संबंधी खंड काव्य, इसमें मानव जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता होती है। प्रासंगिक कथाओं को इसमें स्थान नहीं मिलता। प्रस्तुत अंश पंचवटी खंड काव्य से लिया गया है। प्रकृति की छटा का सुंदर रूप बड़े ही माधुर्य के साथ अभिव्यंजित हुआ है। चांदनी रात का मनोहरी वर्णन सुंदर शब्दों में चित्रित किया है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे है तरु भी मंद पवन के झोंकों से। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से कितने शांत और चुपचाप। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सबेरा होने पर। और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शीला पर धीर वीर निर्भीक बना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमा युध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। के तो इस तरह से ये कविता आप लोगों को मैंने एक एक शब्द के ऊपर स्ट्रेस देकर पढ़ के सुनाया है। ओके, और इसे क्वेश्चन आंसर्स में आप लोगों को देने वाली हूँ। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी कर दिया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा तो 9th स्टैंडर्ड के प्लेलिस्ट में आप लोगों को सारे लेसन्स विथ एक्सप्लेनेशन विथ क्वेश्चन एंड आंसर्स मिल जाएंगे। ओके, और कोई डाउट है आप लोगों को तो आप लोग जरूर पूछिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, और एक लाइक तो मेरे लिए बनता ही है ना। तो चलो मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।